नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी, आपको मौसमी क्विज़िन में स्वागत है। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करें जो है अचार की रेसिपी, जो है बोर के अचार। इसके लिए हमने पके हुए बोर लिया है एक कटोरी, और हमने गुड़ लिया है, सूखा मिर्च लिया है, जीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, मेथी लिया है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर और सौंफ। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम बोर को नमक और हल्दी मिला के धूप में रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। नमक और हल्दी से अच्छी तरह से कोट कर देंगे और इसको 5-6 घंटे के लिए हम धूप में रख देंगे। 5-6 घंटे के लिए धूप में रखा था, अभी हम बोर की अचार बनाएंगे। सबसे पहले हम सारे सूखा मसाले ड्राई रोस्ट पाउडर करेंगे, इसलिए पैन को हमने गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम सूखा मिर्च दे देंगे, मिर्च हमारा रोस्ट हो गया है, इसको एक थाली में हम ले लेंगे। थाली हम साबुत धनिया ले लेंगे, सौंफ दे देंगे, मेथी दे देंगे और जीरा। साबुत मसाला हमारा रोस्ट हो गया, जैसे कि इसको बंद कर देंगे। मसाले को हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे। इसलिए हम पैन में गूंद दे देंगे। इसमें अब 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे। दूध को पानी में हमने अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद इसको उबालने के लिए हाई फ्लेम पे हम रख देंगे। दूध वाले पानी में अभी हमारा उबाल आ गया है, इसमें हम जो बोर है वो ले देंगे। बोर को हमने अच्छी तरह से पानी में मिला दिया है, अभी हम इसमें नमक और हल्दी दे देंगे। पैन पे ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। बोर नरम होने तक हम पका लेंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं, को हम थोड़ा सा तोड़ देंगे चमचे से। दूध का जो मीठा है दूध के अंदर तक चला जाएगा। तो फिर से ढक्कन लगा देंगे और कुक करेंगे। अभी हम जो सारे मसाले के जो पाउडर बना के रखते हैं उसमें से आधे से ज्यादा हम डाल देंगे। मुर्गी जो पानी है वो सूखने तक हम अचार को पकाएंगे। इसे हम पैन के ढक्कन लगा देंगे और पकाएंगे। हमने और 2 मिनट अचार को पका लिया है। बोर की अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। इसमें हम बाकी का जो थोड़ा मसाला है उसको अभी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। उसके बाद मसाले को हम मिला देंगे। मसाला हमारा बन गया है, इसको पूरी तरह से हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हम ग्लास की जार में इसको रखेंगे। बोर की अचार हमारा बन गया है, हमने इसको सर्व कर दिया है। अचार अभी गर्म है इसलिए हम कांच की जार में हम नहीं रख सकते, इसको हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। उसके बाद हम जार में रखेंगे और हफ्ते में 1 बार हम इसको धूप में देंगे। साल भर इसको खा सकते हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, आपके अनुभव और मोशन्स को इजी में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, और ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।